आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा में आज ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखा गया है। रीवा में आज बैंक, डाक घर व दवा प्रतिनिधि संगठन के कर्मचारी व श्रमिकों ने केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में देश भर की ट्रेड यूनियनों और उनसे संबद्ध कर्मचारी यूनियनों ने हिस्सा लिया है। बैंक यूनियन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार कामगार एवं ट्रेड यूनियन विरोधी श्रम सुधारों को आगे बढ़ाकर नौकरियों एवं ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर हमला कर रही है। हम लोग की हड़ताल चल रही है, निगम का हम लोग कर्मचारी है जो आज राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है सी टू ट्रेड यूनियन के, उसमें जो सरकार कर्मचारी विरोधी नीति और पेंशन नई नीति आ रही है और जो संविदा कर्मी या प्राइवेटाइजेशन निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, उसी पे ये आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है, जिसमें हमारे कर्मचारी क्लास बी के भारतीय जनता निगम रीवा शाखा में सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं और आगामी दिनों में जो भी सरकार हम लोग के नीति के खिलाफ आंदोलन करेगी, आंदोलन उसमें हम लोग सक्रिय भाग लेंगे और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कोई भी कर्मचारी विरोधी नीति, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे हमारे वेतन की हो, चाहे निजीकरण की हो, उसमें हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे और पूरा विरोध करेंगे और आज की हड़ताल सफल रहे इसी आह्वान के साथ। कितने बैंक बंद है आज? लगभग रीवा के सभी जो बैंक हैं, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और रिजर्व, उसमें जो भी बैंक शामिल है, SBI भी कुछ उसमें यूनियन शामिल है और पूरा देखा होगा कि आप यूनियन बैंक में भी आज ताला लगा हुआ है। इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जितने भी बैंक हैं राष्ट्रीय, उसमें आज हड़ताल का आयोजन किया गया है। सिर्फ उनका भी वेतन जो है 2017 से लंबित पड़ा हुआ है, जबकि उनको काम का बोझ और जितने भी वहाँ पे स्टाफ की कमी, ये सब आंदोलन, ये सब मांगों के लेके आंदोलन किया जा रहा है और आगामी इस वेतन जो निर्धारण का है वेतन उनका, जो अगस्त 2017 से सरकार अभी तक कोई वार्ता नहीं करी है, वेतन निर्धारण अटका हुआ है और आज तक उनका वेतन जो लंबित है वो एडीएस भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस कारण से उनका भी हड़ताल है आज। और शुभ नाम आपका। दावा है कि मध्य प्रदेश में भी 5 बैंकों के कर्मचारी अधिकारी संगठनों के अलावा अन्य श्रमिक संगठनों से जुड़े कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। इधर रीवा के मुख्य डाकघर में भी कर्मचारी संघ के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं नेशनल डाक कर्मचारी संघ, GDS डाक कर्मचारी संघ, सभी कंबाइंड पोस्टल एम्प्लाई संघ सब शामिल है इस हड़ताल में। पूरे भारत में हमारी 25 सूत्री मांगे को लेकर के पूरे भारत को बंद कर दिया गया है, एक दिन की हड़ताल, जिसमें प्रमुख मांगे हैं हमारे CSI जो अभी नया मॉड्यूल लागू किया गया है, इससे हो रही दिक्कतों को निवारण अभी तक नहीं सरकार कर पा रही है। हमारी कमलेश चंद्रा कमेटी जो GDS के लिए 7th पे कमीशन के लिए गठित की गई थी, उसने रिपोर्ट दिया, उसको आधा अधूरा सरकार ने लागू किया, जिसके लिए हम उनकी पूरी सिफारिश मांग कर लागू करने के लिए प्रयासरत रहे, उसी के लिए हमारी हड़तालें हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस 25 लाख से ऊपर कर्मचारी खाली पड़ी हैं सीट, जिनको सरकार भर नहीं रही है। नई पेंशन स्कीम ला के कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा थी, परिवार की सुरक्षा थी, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी भी हमारी प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाए।